السلام علیکم بھائی، تو کیسے ہیں؟ میری کتاب سب خیر سے ہوں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتیاز مکہ ولوگ۔ تو ماشاء اللہ سے اس وقت میں موجود ہوں مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے، مظہرم میں۔ ابھی ہم آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے، انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز جو ہے نا وہ شیئر کریں گے، عید الفطر۔ تو یہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ کو یہاں کا نظارہ بھی سارا دکھائیں گے۔ تو ماشاء اللہ سے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد حرم میں، یہاں پہ آج عید کی جو نماز بھی ادا کریں گے، ہم فجر کی نماز بھی یہیں پہ ادا کریں گے، اور یہاں پہ جو رش ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے آج ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مطلب ساری یہاں کی جو ساری تیاریاں جو بھی انتظامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سارے شیئر کیا جائیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل بنے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش کافی زیادہ ہے، اتنا زیادہ رش ہے یہاں پہ کہ مطلب ادھر سے ادھر جانے کے لیے بھی نا یہاں پہ جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ یہ دیکھیں، مطلب انہوں نے مسجد حرم کا جو صحن ہے، مطلب وہاں پہ انہوں نے یہ بیریئر لگا کے ساتھ پولیس والے کھڑے ہیں، یہ اس لیے کہ مطلب جو لوگ ہیں نا ایک ساتھ آگے پیچھے نہ جائیں، مطلب ایک سائیڈ ادھر سے جائے ایک ادھر سے جائے۔ تو لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد حرم ہے، یہاں پہ رش جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ صفحے بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں پہ کوئی جگہ دیکھ کے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کے کیوں پہ آپ کو خود ہی جگہ یہاں پہ نا ڈھونڈنی پڑتی ہے، رش ہی بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے رش جو ہے نا یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ صفحے وغیرہ مطلب جو بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں، کچھ صفحے بن گئی ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ فجر کا ٹائم ہے، ابھی فجر کی نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عید کی جو ہے نا وہ نماز ادا کریں گے۔ ابھی آپ کو سناتے ہیں فجر کی یہاں پہ اذان، تو لازمی سنیے گا، لائک کیجیے گا۔ اشهد ان لا اله الا الله
तो गाइस माशाल्लाह से जो है ना वो फजर की अज़ान हो चुकी है अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम जो है ना वो मतलब अभी सुनते वगैरह पा रहे हैं थोड़ी देर तक इंशाल्लाह नमाज अदा करके तो अभी हम इंशाल्लाह आप लोगों को दूसरी तरफ जाके मैं दिखाऊंगा। तो ये सफ़े मतलब खड़ी हो गई हैं नमाज के लिए, तो अभी नमाज पढ़ के जाएंगे हम दूसरी तरफ। तो गाइस माशाल्लाह से जो है ना वो फजर की नमाज हमने बाकायदा अदा कर ली है मस्जिद हरम में। ठीक है, देखिए कि माशाल्लाह से लोग जो ना मतलब वीडियोस वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है गाइस, ये मतलब न्यू दरवाज़ा ही ओपन हुआ है। ठीक है, वो भी रमज़ान में ही, वरना ये दरवाज़ा जो सामने था ये बिल्कुल बंद था। वो अभी मतलब यहाँ पे काम चल रहा था जिसकी वजह से ये बंद किया हुआ था। तो अभी इंशाल्लाह चलेंगे दूसरी तरफ जहाँ पे हमने यहाँ पे क्योंकि वो बैटरी नहीं दे रहे ज़्यादातर, इस वजह से हम जो है ना वो नमाज उसी साइड पे जाके अदा करेंगे ईद उल फितर की जो नमाज है। तो माशाल्लाह से वहाँ से हम जो है ना आगे की तरफ आ चुके हैं। अभी जो ईद की ना वो तकबीरें चल रही हैं, मतलब नमाज ईद से पहले जो मतलब तकबीरें पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा, मतलब कि ईद से ईद की नमाज से पहले जो तकबीरें पढ़ी जाती है ना वो वाली बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहि वलहम्द, मतलब ये जो तकबीरें पढ़ी जाती हैं अभी मस्जिद हरम में वो पढ़ी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ईद की नमाज होगी। तो गाइस ईद की नमाज भी इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो पूरी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से और कहाँ पे कितना रश है, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारा मामला शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी ही देखना है। तो ये अभी हम जा रहे हैं 6 नंबर हमाम की तरफ, मतलब 6 नंबर वाशरूम की तरफ। ठीक है, पहले आपको यहाँ से मैं दिखाऊं कि यहाँ पर आप बकायदा आप देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। तो ये मैं आया हूँ ये 6 नंबर सॉरी 8 नंबर और 4 नंबर जो हमाम वाशरूम है उसके बीच वाला ये रास्ता है। ये रास्ता बाहर मिफ्सला कुबरी की तरफ जाता है, मतलब कबूतर चौकी तरफ भी जाता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितना ज़्यादा रश है। मतलब अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह से, अभी हम जो अदा करेंगे वो ईद की नमाज़ होगी। ईद उल फितर की जो नमाज़ होती है वो यहाँ पे हम अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मतलब ईद की नमाज़ के लिए जो वो सफ़े वगैरह बन रही हैं। ठीक है, देखें कि सफ़े वगैरह खड़ी हो रही हैं, मतलब अपनी अपनी लाइनों में लोग खड़े हो रहे हैं। तो गाइस हमने जो है ना वो ईद की नमाज़ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हरम में बकायदा अदा कर ली, अल्लाह पाक इसको कबूल मंजूर फरमाए। तो आप देख सकते हैं कि ईद की नमाज़ जो है वो हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, वहाँ पे आप जाके आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये अभी मैं बाहर की तरफ ही जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन ईद उल फितर की जो नमाज है ना वो काफ़ी जल्दी हो जाती है बाकी मतलब मुल्कों की नस्बत। तो देखें कि रश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन गया, तो इस वजह से मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मस्जिद हरम में सबसे ज़्यादा रश होता है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार वहाँ पे जाके ना वहाँ पे जाके हम जो है ना वो नमाज़ अदा करें, बेशक कहीं भी जगह मिल जाए, रोड पे मिल जाए, मतलब कहीं भी जगह मिल जाए। ठीक है, तो हम जो है ना मस्जिद हरम में नमाज़ अदा करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है। एक तो आपको पता है ईद का दिन है, दूसरा यहाँ पे नमाज़ पढ़ना बहुत ही अफजल है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे गाइस, ये देखें माशाल्लाह से कि रश इतना ज़्यादा कि यहाँ पे गुजरते 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 बंदे को ना एक साइड से दूसरी साइड पर जाना तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये तो अभी मैं माशाल्लाह से काफ़ी टाइम के बाद आ गया हूँ बाहर की तरफ मस्जिद हरम ना 3 नंबर वो हमाम। ये देखें कि मतलब जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप लोगों को यहाँ पे लोग ही लोग नज़र आएंगे। इतना ज़्यादा रश आपने कहीं भी नहीं देखा होगा जितना ज़्यादा रश यहाँ पर है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपकी नज़र जा रही है आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये अभी हम अपने मतलब होटल की तरफ ही जा रहे हैं, तो इधर भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए लोग बैठे हुए हैं, तो अभी जो है ना वो खुतबा वगैरह मतलब चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखेगा कितना लंबा रोड है, तो यहाँ पर भी आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं।